Good morning, dear students. This is Puspanjali Singh, your science teacher, and I welcome you all in DSS online classes. Today, I am going to continue chapter 4 that is, sorting material into group. In this chapter, we all will read about properties of material, etc. Today, we are going to continue the properties of material you have read in previous videos properties of material first properties are appearance and second are hardness now start the next properties of materials are soluble or insoluble सोल्यूबल मीन्स गुलनशील इन सोल्यूबल मीन्स अगुलनशील मटेरियल्स डैट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर अप ऑन स्टीरिंग आर कॉल्ड टू सोल्यूबल मटेरियल जो मटेरियल क्या होता है वाटर में स्टेयर करने पर स्टेयर मीन्स क्या होता है हिलाना जब हम जो मटेरियल वाटर में क्या होगा डिजोल्व हो जाता है उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं सोल्यूबल मटेरियल उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं सोल्यूबल मटेरियल किस मटेरियल को मटेरियल डेट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर दिस इज कॉल्ड सोल्यूबल मटेरियल एग्जाम्पल सुगर एंड सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन वाटर अगर हम सुगर और सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है सुगर और सॉल्ट क्या होगा वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा तो सुगर और सॉल्ट को कौन सा मटेरियल कहेंगे सॉलीबल मटेरियल शुगर और सॉल्ट को कौन सा मटेरियल हम कहेंगे सोल्यूबल मटेरियल क्यों सोल्यूबल मटेरियल कह रहे हैं क्योंकि सुगर और सॉल्ट जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाटर में डिजोल्व हो जाएगा मटेरियल्स डेट नॉट बी डिजोल्व इन वाटर नो मैटर हाउ मच वी स्टेयर दैम आर सेट टू बी इन मटेरियल बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसको हम वाटर में डिजोल्व करें कितना भी उसको स्टेयर करें कितना भी उसको हिलाएं लेकिन वो क्या होगा वाटर में डिजोल्व नहीं होगा तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं इनसोल्यूएबल मटेरियल किस मटेरियल को इनसोल्यूबल मटेरियल कहते हैं मटेरियल्स डेट नॉट बी डिजोल्व इन वाटर जो मटेरियल वाटर में डिजोल्व नहीं होता है एग्जाम्पल स्टोन क्लोथ्स कैनॉट बी डिजोल्व इन वाटर स्टोन और क्लोथ्स को हम वॉटर में डिजोल्व करें कितना भी डिजोल्व करें तो ये क्या होगा वॉटर में डिजोल्व नहीं होगा तो स्टोन और क्लोथ किस टाइप का मटेरियल है इन सॉल्यूबल मटेरियल सुगर और सॉल्ट किस टाइप का मटेरियल है सॉल्यूबल और इन सॉल्यूबल मटेरियल नॉट ओनली सॉलिड मटेरियल इवन लिक्विड हैज सॉल्यूबल और इन प्रॉपर्टीज केवल सॉलिड मटेरियल में ही सॉल्यूबल और इन सोल्यूबल मटे सॉल्यूबल प्रॉपर्टीज नहीं होता है केवल सॉलिड ही नहीं ऐसा मटेरियल है जिस जो क्या हो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा बहुत सारे लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो क्या होते है? उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है जो वाटर में क्या होगा कुछ लिक्विड डिज़ोल्व होगा और कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो जो लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है उसे क्या कहा जाता है सॉल्यूबल और जो लिक्विड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है इनसोल्यूबल अब फॉर एग्जाम्पलूस क्या हो जाएगा वॉटर में क्या हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा बट अगर हम ऑयल को वॉटर में डिजोल्व करें तो क्या वो वॉटर में डिजोल्व होगा ऑयल नहीं तो ऑयल क्या है लिक्विड है लेकिन हम उस ऑयल को वाटर में डिज़ोल्व किए तो ये क्या हुआ डिज़ोल्व नहीं हुआ तो ये क्या है ऑयल क्या होगा इन ऑयल को जब हम लिक्विड में डालेंगे तो क्या होगा ये ऑयल क्या होगा वाटर के अपर सरफेस पे क्या हो जाएगा आके एक पतली सी लेयर बना लेगी और वहाँ पे वो क्या हो जाएगा इकट्ठा हो जाएगा वो वाटर में डिजोल्व नहीं होगा तो केवल सॉलिड ही नहीं इवन लिक बहुत सारे लिक्विड भी ऐसे होते हैं जो वाटर में क्या होते हैं डिज़ोल्व होते हैं और बहुत सारे ऐसे लिक्विड होते हैं ऐसे भी होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते हैं तो मटेरियल्स को हम किस बेस पे सोल्यूबल और इन प्रॉपर्टी के बेस पे भी हम मटेरियल्स को क्या करते हैं क्लासीफाइट करते हैं नाउ मूव द नेक्स्ट टॉपिक आर फ्लोट और सिंक अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है मैटर का फ्लोट और सिंक फ्लोट मीस क्या होता है तैरना सिंक मीस डूबना देर आर सम इनसॉल्यूएबल सबस्टेंस और मटेरियल विच सिंक टू द बॉटम ऑफ द सर्फेस वाइल सम अदर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बहुत सारे जो इन मटेरियल्स होते हैं वो क्या करते हैं वाटर में क्या हो जाते हैं सिंक हो जाते हैं कहाँ वाटर के बॉटम में वॉइल सम अदर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर बट बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं वाटर के सर्फेस पे क्या करते हैं फ्लोट करते हैं तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो क्या होते हैं वाटर में डूब जाते हैं और कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो वाटर में क्या करते हैं तैरते हैं ये क्यों होता है कि मटेरियल्स क्या हो जाते हैं वाटर में सिंक हो जाते हैं और फ्लोट करते हैं इसका रीज़न क्या है मटे ये किस पे डिपेंड करता है किस पे मटेरियल के वेट पे किस पे डिपेंड करता है मटेरियल के वेट पे जिन मटेरियल का वेट क्या होगा कम होगा वो मटेरियल क्या होगा मटेरियल क्या होंगे फ्लोट हो जाएंगे यानी पानी में पानी के सफ पानी के सरफेस पे क्या करेंगे तैरेंगे और जिन मटेरियल का वेट क्या होगा ज़्यादा होगा वो मटेरियल क्या हो जाएंगे वाटर में डूब जाएंगे यानी सिंक कर देंगे तो ये फ्लोट और सिंक किस पर डिपेंड करता है मटेरियल के वेट पे मटेरियल का वेट ज्यादा होगा तो वो क्या होगा पानी में डूब जाएगा और जिस मटेरियल का वेट कम होगा वो वाटर की सरफेस पे क्या करेगा फ्लोट करेगा एग्जांपल लीप्स फ्लोट इन वाटर वाइल स्टोन्स एंड क्वाइन सिंग इन द वाटर लीप फ्लोट इन द वाटर लीप क्या करता है वाटर के सरफेस पे क्या करता है तैरता है लेकिन अगर उसी वाटर में हम क्या करें कॉइन या मार्बल स्टोन अगर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है डूब जाता है वाटर में क्यों डूब जा रहा है क्योंकि वो कॉइन या स्टोन या मार्बल इसका वेट क्या है ज़्यादा है और लीप पत्ती का वेट क्या है कम है इस वजह से वो वाटर की सरफेस पे क्या कर रहा है तैर रहा है और स्टोन क्या हो जा रहा है डूब जा रहा है तो आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होता है फ्लोट और सिंग ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय